तो स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। आज मैं आपको दिल्ली की बेस्ट प्लेस जिसका नाम है लोधी गार्डन के बारे में इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। बंदर भी है ये देखिए। तो आसू भाई तो आज छुट्टी पे है लेकिन प्रियांशु भाई को ले आया हूँ मैं आज। तो गाइज वैसे तो लोधी गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। कुछ मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं जैसे कि शीश गुम्बद, बड़ा गुम्बद, और यहाँ पर फाउंटेन भी है, लेक भी है, डक्स भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दें। तो गाइज आप सामने में जो ये मोन्यूमेंट बना हुआ देख रहे हैं ये लोधी पीरियड में इसका निर्माण हुआ था, लोधी वंश के द्वारा बनाया गया था ये, और इसका नाम है बड़ा गुम्बद। और इसके साथ ही में एक मस्जिद भी है जिसका नाम है बड़ा गुम्बद मस्जिद। देखते हैं आपको बताते हैं इसके बारे में भी फुल डिटेल। ये देखिए, और काफ़ी देर से जो है हम बैठे हुए थे लेकिन अब हमने सोचा कि चल कर देख ही लेते हैं इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं जिसके द्वारा आप इसे चढ़कर अंदर जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर का नज़ारा देखते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का है अंदर से, ये देखिए यहाँ पर अंदर जो है इस तरह का बना हुआ है। ये देखिए किस तरह इसका मेन गेट है, काफ़ी बड़ा ऊँचा है, और अंदर जो है बिल्कुल खाली है अंदर से, इसमें कोई कब्र वगैरह भी नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर साइन स्टोन वगैरह हो उस पर लिखा हो इसके बारे में तो मैं आपको पढ़कर ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों बाहर से देखने में तो ये कोई मकबरा नज़र आ रहा था लेकिन जब हमने अंदर आके इसके बारे में यहाँ पर देखा, पड़ताल करी, तो हमें पता लगा कि जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये है बड़ा गुम्बद, और जो इस साइड में है ये है बड़ा गुम्बद मस्जिद। तो ये दोनों जो है लोधी वंश के समय में इनका निर्माण हुआ था, लोधी पीरियड के दौरान जो है ये सारी मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे। ये देखिए कुछ इस तरीके का सीन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस साइड तो शीश गुम्बद बना हुआ है और उधर बड़ा गुम्बद बना हुआ है, साइड में है तो दोनों यहाँ पर दो प्रकार के गुम्बद बने हुए हैं, इनकी जानकारी भी दी गई है यहाँ पर, सकते हैं हिंदी में आप। तो आइए चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या है लोधी गार्डन में। लोधी दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है, इस तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे और हरा भरा एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस प्रकार के पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत ही अद्भुत पेड़ है ये, और ये देखिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली, ये देखिए आप चारों ओर हरियाली हरियाली मिलेगी। और यहाँ पर इस गार्डन में एक लेक भी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी लेक, सुंदर, तो हम उसके पास ही जा रहे हैं। वहाँ पर फाउंटेन वगैरह भी चलते हैं तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, तो अभी वहाँ का नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज ये देखिए ये लोधी गार्डन में यहाँ पर जो लेक बनाई हुई है हम उसके पास आ गए हैं, और आपको दिखाते हैं लेक का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर फाउंटेन भी चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए गाइज, ये देखिए फाउंटेन है यहाँ पर बहुत ही सुंदर। तो गाइस यहाँ पर इस लेक के ऊपर से एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है अटपुला, और ये मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो जो कि काफ़ी आकर्षक है। तो आइए चलते हैं इस पुल के ऊपर से नज़ारा देखते हैं। इस पुल से ऊपर से जब आप लेक का नज़ारा देखोगे तो बहुत ही आपको सुंदर लगेगा, और फाउंटेन वगैरह भी नज़र आएंगे। तो आइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों यहाँ से कितना सुंदर नज़र आता है, और बिल्कुल हरा भरा यहाँ पर वातावरण है, पेड़ पौधे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, और ये डक्स भी आपको यहाँ पर जो है बत्तखें तैरती हुई मिलेंगी, और फाउंटेन का नज़ारा भी काफ़ी यहाँ पर अद्भुत नज़र आ रहा है ये देखिए। और एक सेल्फी पॉइंट भी माना जा सकता है लोधी गार्डन का, यहाँ से आप काफ़ी सारी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो इस पुल का नज़ारा अलग ही एक वाइब लाता है एक नेचर से जुड़ी हुई, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ से इस पार्क की एंट्री भी है इस रोड से। तो इस पार्क में काफ़ी सारी अलग अलग एंट्रीज़ हैं, तीन या चार गेट इस पार्क के हैं अलग अलग
दिशाओं से, तो आप किसी भी गेट से एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर आने का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन खान मार्केट, जो कि वॉयलेट लेन लाइन पर लोकेटेड है। तो खान मार्केट मेट्रो से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, तो आप जो है वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉक करके भी आ सकते हैं, नहीं तो आप शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए डक्स का नज़ारा यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। लेक के बराबर में ही ये बहुत सारी बत्तखें आ जाती हैं और ये भी यहाँ पर जो है अपना टाइम स्पेंड करती है। और ये देखिए कुछ यहाँ पर बर्ड्स दिखाई गई हैं, कुछ प्रजातियाँ जो यहाँ पाई जाती हैं इस लोधी गार्डन में। ये देखिए, तो आइए चलते हैं, डक हाउस भी देख कर आते हैं यहाँ का। और जो टाइमिंग है फाउंटेन की वो है 7 से 9 बजे तक और 4:30 से 8 बजे तक। तो गाइज़ यहाँ पर लेक के किनारे में एक डक हाउस भी है और इसके आसपास आपको बहुत सारी डक्स देखने को मिल जाएंगी और इन्हें आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों लोधी गार्डन का नियरेस्ट मेट्रो है खान मार्केट, तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं।